धनबाद के हीरापुर और उसके प्रभावित क्षेत्रों का डीसी और एसपी ने जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि संक्रमित इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपदा के इस घड़ी में लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। कमेटी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के डिटेल काम जो है वो कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं, कितने देर तक मिले हैं, इन सभी चीज़ों का डिटेल जो है वो ट्रेसिंग करने का काम जो है वो 3 मेंबर्स कमेटी है, जिसमें एक डीएसपी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। इनके माध्यम से निश्चित रूप से इनके जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जहां पर ये मिले हैं पिछले 15 दिनों 20 दिनों के अंदर में, उनको हम लोग निकाल करके अगर संबंधित जिला से भी मामला आता है तो उनको भी हम लोग सूचित करने का काम करेंगे, और इस ज़िले में जो जो लोग हैं जिनके कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको आइसोलेट करने का काम और उनके टेस्टिंग करने का काम। अरे ये है अभी सबसे महत्वपूर्ण काम, आपदा प्रबंधन करना है, और उसको लेकर जो भी जगहों पर कुमार दुबी में पहला केस आया, दूसरा केस डीएस कॉलोनी में आया, तो इस मध्य रात्रि से ही हम लोगों ने इस पूरे एरिया को मैप करके जो भी यहाँ के एग्जिट एंट्री रूट्स थे उनको सील किया है। लगभग 12 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर फोर्सेस ऑलरेडी मध्य रात्रि से ही हम लोगों ने डिप्यूट किया है। मजिस्ट्रेट्स और बाकी चीज़ों का भी ज्वाइंट ऑर्डर बस निकलने ही वाला है। तो इस संदर्भ में हम लोग की पूरी तैयारी है कि एरिया पूरे तरीके से सील रहे, और जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, जैसा आपको उपायुक्त महोदय ने भी बताया, उसको पूरी तरीके से अक्षरशः हम लोग पालन करें। और न केवल इस कॉलोनी को सील करने की बात है, बल्कि आसपास का जितना भी क्षेत्र है।